डिस्प्रिन है क्या? नहीं है। क्यों आया? मैं भी लाना भूल गया। क्यों? पिक्चर ही ऐसी है, क्या बताऊं यार। अब मैं मतलब एक बर्दाश्त नहीं होता, तीन तीन थे पिक्चर में। मतलब क्या एक्शन पसंद नहीं आया कि स्टोरी पसंद नहीं है कि जॉन अब्राहम पसंद है? बी फ्रैंक, अगर मैं सत्यमेव जयते 2 को छोड़ दूं ना तो जॉन अब्राहम मेरे फेवरेट एक्टर्स में से एक है। अच्छा। क्योंकि बात करूँ मद्रास कैफे की, फोर्स की, तो ये है ना सारी लीजेंड फिल्में थी जो जॉन अब्राहम ने जिसमें काम किया, बट ये मूवी शायद ही इज़ नॉट डिजर्विंग। क्या बुरा मास ऑडियंस के लिए मूवी थी यार? मास ऑडियंस के लिए नहीं थी ये, एक्चुअली ना भोजपुरी लोगों के लिए मूवी थी, जो लोग भोजपुरी फिल्में देखना पसंद करते हैं ना। क्या हो रहा है फिल्म में कुछ समझ नहीं आ रहा, बस जो जॉन बोल रहा है वही हो रहा है। यार समझ में आता है, डाइजेस्ट हो जाता है जब आप एक टूसा मारते हो ना, आदमी 10 कदम जाके गिरता है। लेकिन इसमें तो यार हेलीकॉप्टर, यार कैप्टन अमेरिका होता ना तो खुद के हाथ से खुद का गला घोट के खुद को मार देता। हेलीकॉप्टर रोक लिया यार, मतलब उसको उड़ने नहीं दे रहे। तो तीनों भाई ने मिलकर रोका क्या? अरे भाई क्या, एक बाप दो दो गलतियां उसकी थी यार फिल्म में। मतलब क्या अच्छा है सोचो यार, हम तीनों खड़े साथ में, इमराले भैया आप भी बहुत अच्छे लगते हो। हम तीनों खड़े, हम तीनों ना टैक्सी रोक सकते, हेलीकॉप्टर नहीं रोक सकते। जॉन अब्राहम सर ने रोका, बहुत बड़ी बात है। मतलब तालियां बजाने का? अच्छा तालियां बजाने का। अरे यार ऐसा लग रहा था मैं 70s की फिल्म देख रहा हूँ। इससे अच्छा अगर मैं घर जाकर अमिताभ बच्चन की जंजीर फिल्म का वो डायलॉग देखता हूँ ना कि जब तक बैठने को ना कहा जाए शराफत से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे बाप का घर नहीं, वो देखने में ज्यादा मजा आता है। मतलब स्टोरी के बारे में बताइए, स्टोरी कैसी क्या थी? क्या बताऊं यार, बताओ क्या सुनना चाहते हो आप, क्या सुनना चाहते हो आप? स्टोरी कुछ नहीं थी, स्टोरी में बस ये था कि जॉन अब्राहम थे, फिर एक और जॉन अब्राहम थे, फिर सेकंड हाफ में एक और आ गए। अच्छा। नहीं स्टोरी एक्चुअली ये थी कि एक भाई होता है। नहीं स्टोरी के बारे में ये बताइए कैसी लगी स्टोरी, स्पॉइलर मत दो। मैं वही मैं पहले सोचू तो सही कि स्टोरी क्या थी यार, कि स्टोरी में एक था फिर दूसरा है, फिर इंटरवल एक भाई था जो अच्छा था। हाँ। फिर दूसरा था वो लड़ाई करता था, फिर तीसरा आता था वो उसको रोकता था, फिर बाप आता था वो दोनों को बोलता था आपस में मत लड़ो, खत्म। अच्छा ये बता एक्शन एक्शन क्या लगता है? मैं डिस्प्रिन उसी के लिए मांग रहा था। अच्छा अरे चलो एक्शन तो डायलॉग्स बताओ, मिलाप जवेरी के डायलॉग्स। डायलॉग ऐसा था कि साले ऐसी जगह लात मारूंगा अगर अगली बार किसी लड़की की तरफ नजर उठा के देखा, पीछे से मुतेगा क्योंकि आगे का डंडा नहीं रहेगा। ऐसे डायलॉग थे फिल्म में, ऐसे डायलॉग थे फिल्म में। बताओ मिलाप जवेरी सर के लिए कुछ कहना चाहिए? मिलाप जवेरी सर ने अपना नाम मालूम रोहित शेट्टी से रिलेटेड लिखा है, मिलाप जवेरी एंड टीम। बताओ है ना, बताओ खुद के गलते टीम के मारे, बताओ गोबर का कंपैरिजन ये लोग इतनी शानदार शहद से करेंगे, कहां रोहित शेट्टी कहां मिलाप सर। अगर रोहित शेट्टी साथ देख लेते ना मिलाप जावेरी एंड टीम, मालूम खुद के हाथ से बोलते अरे कोई मारो मुझे मारो। अरे क्या पिक्चर हो रही है यार। अच्छा नोरा का डांस नंबर मतलब सर आप क्या हाल है? अरे यार देखो मैं एक बात बोलूं, मजा आना नोरा फतेह को ही देख क्या। 150 रुपए ना कसम से बड़ी स्क्रीन पर उसको देख के वसूल हुए, वरना मैं तो पूरी पिक्चर में यही सोच रहा था कि यार ठीक है यार नाश्ता तो कर लिया आप थोड़ी देर बैठ के ही जाओ, जल्दी पहुंच जाऊंगा तो घर वाले बोले कि तू पिक्चर ही गया था ना देखने। यार मेरे को तो लगा था कि मूवी देख के आप बोर हो जाओगे, लेकिन अभी तो फिलहाल में तुम्हें बहुत एनर्जी है पिक्चर में। पूरी पिक्चर में देखो ऐसा होता है कि जब आप आदमी मेडिटेशन कर रहा होता है तो दिमाग शांत होता है, जब आदमी आतंकवाद देख रहा होता है ना तो मेरे जैसा हो जाता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं ना बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरी फैमिली देखती है ये सब चैनल्स है ना, मेरी मम्मी इन दोनों के चैनल्स का मेरे चैनल्स की बहुत तारीफ भी करती है, पसंद भी करती है, हमारी फैमिलीज देखती है, वरना ऐसा भरा हुआ पड़ा हूँ ना जैसे कैमरा बंद होगा ना मैं कसम से बोल रहा हूँ मैं ऐसे गाली चालू करूँगा जेड पे खत्म करूँगा। अच्छा चलो आपने जॉन अब्राहम की बात तो कर ली, फिल्म में एक लेजेंडरी एक्ट्रेस है दिव्या खोसला कुमार, उनकी तारीफों के पुल बांधी है। भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, इससे अच्छी एक्टिंग ना सुनील ग्रोवर करता साड़ी पहनने के बाद, इससे अच्छी एक्टिंग सुनील ग्रोवर करता साड़ी पहनने के बाद। इतना खतरनाक काम है उसका, उसको सिर्फ गानों में डांस करने के लिए रखा, इसके अलावा सेम एक्सप्रेशन जो मैं उसका बचपन, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता इसको जरूरत क्या थी हीरोइन लेने की, मैं जैसा इसको बचपन में देखता था अभी भी थिएटर में वैसा ही देख रहा हूँ, मतलब ये औरतों की अनिल कपूर बनने में लगी हुई है, बुढ़ी नहीं हो रही है। एक्टिंग के बारे में बताइए, एक्टिंग कैसी थी दिव्या खोसला कुमार की, मतलब लेजेंडरी एक्ट्रेस। अरे ज्यादा नहीं बोलूंगा यार, टी सीरीज कंपनी की मालिक है, मेरा भी चैनल है यार, साली उड़वा उड़वा देगी मेरे को, बड़े बड़े लोगों से पंगा नहीं लेना, अपन ने सुशांत सिंह राजपूत से यही सीखा। अच्छा जॉन का काम कैसा?
जॉन का काम देखिए, जॉन इब्राहिम लाइट ना लाइट नहीं नहीं बी फ्रैंक अभी तक तो ठीक है, मैं फिल्म पे भड़ास निकाल रहा था, बट मैं बात करूँ जॉन इब्राहिम की, जॉन इब्राहिम लव यू यार, तू बहुत अच्छा एक्टर है, तेरी स्माइल बहुत क्लास है, तू वो एक्टर है जिसने इंदौर में आई मीन इंडिया में लोंडो को ना बाइक चलाना सिखाई है, भगाना स्पोर्ट्स बाइक तूने आदत डाली लोगों को धूम से। जॉन इब्राहिम बहुत अच्छे लग रहे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है इस रोल के लिए, बट फिल्म का एक जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट था ना वो था फिल्म का स्क्रीन प्ले, एकदम बिल्कुल वाहियात। अगर कोई भोजपुरी डायरेक्टर भी फिल्म को डायरेक्ट करता ना, वो शायद इससे थोड़ा और बेटर कर सकता था। अब मैं कहूँ अगर बॉलीवुड की एक वो कौन सी फिल्म थी यार, KRK की देशद्रोही, अगर उसको कोई फिल्म मतलब टक्कर दे सकती है ना तो वो ये फिल्म थी। ये फिल्म उसको पूरी टक्कर दे सकती है। कुछ ऑडियंस को पसंद भी आ रही है तो कुछ पॉजिटिविटी बताओ, पॉजिटिव चीज़। वो मेरे को बताना जिसको पसंद आ रही है, उससे मैं बात करूंगा पर्सनली। जिसको चैनल पर आ जाइएगा देखो, हमें मेरा नंबर नोट कर लेना, मैं नंबर दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, मेरे से फोन पे बात कर लेना, मैं पूछूंगा भाई साहब क्या पसंद है आपको जो मेरे को पसंद नहीं आया। मैं तो मेरी बाबू सोना को भी नहीं लेके गया था, पूरा ध्यान मेरा फिल्म पे था। मतलब यार फिल्म क्या बनाई आप लोगों ने। अच्छा भाव ये बताओ, कल अंतिम रिलीज हो रही तो ये अंतिम को टक्कर दे पाएगी यार? मैं मालूम अभी से ही सदमे में हूँ, कल अंतिम आऊँ कि नहीं आऊँ देखने, ऐसा नहीं हो कि कल वो मेरी अंतिम फिल्म बन जाए, है ना साला। देख लो आप सोचो कि एक ही आदमी को भाई, जाओ जाओ यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें चल रही मूवी देख के आया, अच्छा हुआ नहीं देखी, बहुत खुश नसीब हो आप। चलिए पॉजिटिव बताइए, क्या मूवी में कुछ अच्छा लगा? पॉजिटिव था जॉन इब्राहिम की मेहनत, हाँ। लेकिन अगर बात करूँ सेकंड हाफ की, तो सेकंड हाफ में जो आजाद का रोल था ना वो थोड़ा सा, कौन सा जॉन इब्राहिम, सातवें नंबर का आठवें नंबर? नहीं वो फादर था जिसने गलती करी थी जिसने दो गलती करी थी, मतलब वो पॉजिटिव रहा, बाकी दो गलतियों को तो आपने दो गलतियां नेगेटिव क्या बोलूं, समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा पिक्चर में। एंड के क्लाइमेक्स में फादर पता नहीं कहां से आ जाता है, कहां से मार रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है, फिल्म में पूरा मतलब पूरी कोशिश करी है सस्पेंस रखने की पूरी हाँ। लेकिन मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, जो लोग ये फिल्म देखेंगे ना वो स्टार्टिंग के 10 मिनट बता देंगे साला एंड में विलन कौन निकलेगा। अगर ये नहीं बता सकते ना आप, तो आप जाके पुरानी फिल्में देखो 70 की 80 की, आपको समझ में आ जाएगा। फिल्म में सब है जो 70s 80s की फिल्मों में होता था ना, 2021 की तो ये फिल्म ही नहीं है। ये फिल्म मैं समझता हूँ 70 में खत्म करी थी शूटिंग, अभी रिलीज करी है। ये लॉकडाउन था, ये लॉकडाउन था, लॉकडाउन 20-30 साल का 40 साल का लॉकडाउन यार। मतलब जिन्होंने ये फिल्म बनाई होगी ना उनके दादा पोते बच्चे बच्चे खेल रहे होंगे। मैं बताऊँ आपको, फिल्म में 70s 80s की सारी चीज़ें, ज़मीन को लेकर विवाद, पॉलिटिशियंस का विवाद, एक छोटा सा मेलोडी ड्रामा डालने के लिए बच्चों को खाने में जहर वाला फंडा, लड़की के रेप वाला फंडा, फिर हीरो आता है। नहीं नहीं ये खाने में जहर वाला फंडा तो सूर्यवंशम से आया ना, और हाँ उसको कैसे भूल गया, इंस्पायर्ड बाय अमिताभ बच्चन फ्रॉम सूर्यवंशी ठाकुर साहब, मैं कैसे भूल गया उसको। और जहर वाला फंडा, देन फिर रेप वाला फंडा, देन फिर अच्छा सरपंच के बेटे ने इसमें भी रेप किया। अच्छा मेरे को एक चीज समझ नहीं, हाँ सरपंच नहीं था वो, कोई कलेक्टर फलेक्टर के, ये तो इस पे तो कॉपीराइट मिथुन का है ना, मिथुन के बेन की इज्जत। हाँ मेरे को ऐसा ही लगा, मेरे को फिल्म में ना तीन लोगों की कमी लगी। एक तो जब आजाद का रोल था ना, तब मेरे को लगा यार यहाँ सन्नी देओल को होना था, क्योंकि जिस हिसाब से जॉन इब्राहिम चिल्ला रहे मेरे को लगा इसका गला भिड़ जाएगा इसका करियर तो बैठ ही जाएगा अगर जिसने फिल्म देखी ना, मेरे को लगा इसका गला भिड़ जाएगा, यहाँ सन्नी देओल होना चाहिए, है ना। दूसरा जहाँ रेप सीन हुआ फिर हीरो गया, मेरे को यहाँ मिथुन दा को होना था, ये खाम तूने मेरी शत्रुघ्न सिन्हा, सॉरी मतलब जो भी एक्सेट्रा है यार, अभी तीन एक ही देखे मैंने। तीसरा मेरे को जब वो डायलॉग वायलॉग बोलते हैं ना, जब जॉन इब्राहिम साहब जब ये मतलब बातें चल रही नॉर्मल, अभी सोचो कि मैं आपको बोलूँ और भाई कैसा है तू बढ़िया लगता, मैं बोलूँ कुछ भी बोल तेरा बदन, मतलब यार नॉर्मल बातों में ही यार मतलब डायलॉग चल रहे हैं कुछ भी चल रहा है। तो अच्छा आपको क्या लगता है कि अगर इस फिल्म में जॉन इब्राहिम की जगह निरहुआ होता तो चल जाते पिक्चर? एक्चुअली मैंने कहा ना भोजपुरी एक्टर्स ही इस फिल्म को डिजर्व करते हैं, या साउथ इंडस्ट्री के एक्टर्स, साउथ में कंटेंट बनता है यार। देखिए साउथ इज बेटर देन बॉलीवुड, अगर मैं नहीं ऐसा भी नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, है ना, बहुत टाइम से कंपैरिजन चल रहा है बॉलीवुड साउथ का, मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं बचपन से फिल्में देख रहा हूँ, साउथ अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, धीरे धीरे अपग्रेड कर रहा है, और बॉलीवुड अपने आप को डाउन करता चला जा रहा है। बॉलीवुड अगर अपने आप को
अच्छी और फिल्में लगाने में लगाए, स्क्रिप्ट अच्छी हो। देखिए कोई भी एक्टर, पोस्टर पर किसी भी एक्टर का फोटो हो, अगर थिएटर में जाने के बाद आपको मजा नहीं आ रहा है ना, तो वो एक्टर का जो पोस्टर होता है ना, वो आपको गाली लगने लगता है, ये मैं समझता हूँ। अच्छा आप बताइए, फिल्म के डायरेक्टर मिलाप जावेरी को आप क्या संदेश देना चाहोगे कि ऐसी और फिल्में सत्यमेव जयते 3 देखना चाहोगे? ठीक है, तुम मिलाप जावेरी हो ना, तुमने फिल्म बनाई, अच्छी बात है, लेकिन एन टीम का नाम बदनाम मत करो, किसी और का कॉपीराइट है एन टीम पे। एन टीम आप तब डिजर्व करते हो जब आप मास्टरपीस बनाते हो, लाइक गोलमाल है ना, लाइक सिंघम, लाइक सूर्यवंशी, तब आपके नाम क्या सिम्बा है ना, तब आपके नाम के आगे रोहित शेट्टी एंड टीम अच्छा लगता है। जब आप ऐसी फिल्म बनाते हो ना, तो कम से कम टीम का नाम तो बदनाम मत करो, उन बिचारों के घर में बेरोजगारी का माहौल चालू हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, नहीं अच्छा मेन सवाल, गंदी चीजों का क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। अच्छा मेन सवाल, इसके बाद सत्यमेव जयते 3 देखने के लिए कितना एक्साइटेड है आप? आएगी, वो भी आएगी, टेंशन मत लो, आएगी, मैं पूरा पत्ता लेके जाऊंगा डिस्प्रिन गोली का, माँ कसम मजाक नहीं कर रहा हूँ, आए पिक्चर मैं पत्थर फेंक के पोस्टर फाड़ूंगा। चलो आउट ऑफ 5 कितने स्टार? -0।